अगर लड़की ने आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो सिंपली उसके तीन रीजंस हो सकते हैं। नंबर वन, वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। नंबर टू, आपने जरूर अनोइंग मैसेजेस किए होंगे। नंबर थ्री, उसने आपका मैसेज देखा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि लड़कियों के पास हजारों मैसेजेस आते रहते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहती हैं, तो वो देख ही नहीं पाती कि किसने उसको मैसेज किया किसने नहीं, तो शायद उसने आपको नोटिस ही नहीं किया। लेकिन अगर वो आपको थोड़ा बहुत जानती हो, शायद आप कहीं किसी पार्टी में मिले हो या किसी फ्रेंड के थ्रू कभी आप मिले हो, थोड़ा बहुत मतलब अगर आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर सकती है, तो देखिए आपका 20% काम ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन अगर आपको 0% जानती है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो टुडे यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू गेट गर्ल्स अटेंशन। नंबर वन, टेक्स्ट स्मार्टली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्ल्स के सोशल अकाउंट्स पर फ्रेंड रिक्वेस्ट की हजारों रिक्वेस्ट वहां पे पड़ी हुई होंगी, और आप वहां पे जाके एक वही किस्सा बेटा डायलॉग मारोगे, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आर यू सिंगल, वगैरह वगैरह। तो आपको गर्ल्स को वहां पे मैसेज करना है जहां उसकी फैन फॉलोइंग कम हो, जैसे कि ट्विटर, टम्बलर, जीमेल। वहां पे गर्ल्स के इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं होती और इतनी फ्रीक्वेंटली भी वो नहीं देखती, बट जब भी देखेंगी तो होपफुली वो शायद आपको रिप्लाई कर दे और आप नोटिस में आ जाएं। नंबर टू, गुड सोशल सर्किल। भाई आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है सोशल सर्किल। अगर आपका सोशल सर्किल स्ट्रांग है तो डेफिनेटली गर्ल खुद आपको अप्रोच करेगी। अगर आपका सोशल सर्किल अच्छा नहीं है तो गाइज यू हैव टू वर्क ऑन इट। और देखिए इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है, आपको अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अच्छी फोटोज डालनी है ताकि वो खुद अट्रैक्ट होके आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, ना कि आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने सोशल सर्किल पे वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सके। नंबर थ्री, ग्रैब हर अटेंशन। अब सवाल ये है कि उसके पास हजारों पेंडिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग है जिनमें आपकी भी रिक्वेस्ट वहां पर पेंडिंग पड़ी हुई है। अब आपको उसका अटेंशन पाने के लिए आप क्या करोगे, जनरली बॉयज जो करते हैं वो जाके सारी फोटोज को लाइक करते हैं, लेकिन यार वो तो हर दूसरा आदमी यही करता है, सारी फोटोज को जाके लाइक करते हैं, आप क्या डिफरेंट करते हैं। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या डिफरेंट करना है कि आप उसके अटेंशन में आ जाएं। देखिए इंस्टाग्राम पर एक टूल है स्टोरी, जहां पे आप लगाते हैं, आप उस पर किसी को टैग कर सकते हैं। यहां आप उस गर्ल को टैग कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा फोटो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए अगर आपको उसको फोटो दिखानी। तो अगर आप उसके नाम को टैग करते हैं, उसको आप बिल्कुल छोटा सा कर दीजिए, बिल्कुल साइड में ले जाइए, तो क्या होगा उसका नाम हाइड हो जाएगा। लेकिन जब आप उसे टैग कर चुके होंगे तो उसके पास एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी जा चुका होगा, तो वो आके उस स्टोरी को आपके चेक करेगी और हो सकता है आपकी वो फोटो उसको पसंद आ जाए और आपका नंबर लग जाए। एंड आई एम श्योर ये फॉर्मूला वर्क करता है। नंबर फोर, आई कॉन्टैक्ट। अगर गाइज वो आपसे कहीं टकरा जाए, जैसे किसी शॉपिंग मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, तो आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, आपका ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओ माय गॉड मैं क्या करूं, वो तो मेरे सामने खड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नहीं, ऐसा आपको कुछ नहीं करना। बी कॉन्फिडेंट, बी काम एंड ट्राई टू क्रिएट एन आई कॉन्टैक्ट। और जब आप उसे एक आई कॉन्टैक्ट करेंगे तो शायद एक चांस है जहां वो आपको नोटिस कर ले। एंड बिलीव मी गाइज, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। नंबर फाइव, म्यूचुअल फ्रेंड। भाई कोई ना कोई तो होगा आपके फ्रेंड सर्किल में जो उसको जानता हो, हो सकता है आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड उसको जानता हो सकता है आपकी सिस्टर का कोई फ्रेंड का फ्रेंड अगर हो तो वो उसको जानता हो। देखिए अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू अगर आप अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आपकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट हो जाए और आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी बन जाए। तो मैं आप लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सिस्टर और अपने फ्रेंड्स की जी हुजूरी कीजिए ताकि वो आपको उससे इंट्रोड्यूस करवा सके। तो ये थी हमारी 5 बेहतरीन टिप्स ऑन हाउ टू गेट गर्ल्स अटेंशन। और जब कोई लड़की नो बोल दे तो नो का मतलब तो नो ही होता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने पिंक मूवी में ये बात बोली थी, नो मींस नो, ना का मतलब ना है, ना अपने आप में एक शब्द नहीं, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो गाइस अगर वो नो बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, नो मींस नो ही होता है। बट मैं यहां पे एक चीज बोलूंगा कि स्माइल करते रहिए, हो सकता है आपकी कोई सेक्सी स्माइल को देखकर आप पे चांस ले ले। तो गाइस स्माइल हमेशा करते रहिए, और अगर आपको मेरे चेहरे पे भी स्माइल देखनी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ही करना है। गाइस इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मेंस फैशन, ग्रूमिंग, स्टाइल एंड फिटनेस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एब्सोल्यूट अभी, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अभी स्पेन। थैंक यू वेरी मच।